हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, हम अक्सर इस तरीके के वाक्य बोलते हैं कि तेरे आंखों में आंसू हैं, या उनकी आंखों में आंसुओं से भर गई, या फिर गाइस उसके बारे में सोच करना मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। ये कहानी सुनकर बच्चों की आंखें आंसुओं से भर गई। तो जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले आंसुओं से भर गई, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो प्लीज गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, बेल आइकन प्रेस करें गाइस, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो कि आपके बहुत काम आने वाली। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, समझते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, मैं कॉमन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाकी आप एज पर रिक्वायरमेंट इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, वंस आई मतलब जैसे हिज आईज, माइज आईज, देयर आईज, ठीक है, किसी की भी आंखें हैं। फिर फिल्ड, क्योंकि सारे पास्ट में है, तो फिल्ड विद टीयर्स, फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो गाइज हमारी वेबसाइट है englishkilearning.in, जिस पर कि आपको इस तरीके के ढेरों एडवांस स्ट्रक्चर मिलते हैं, साथ ही आपको टेंस और ग्रामर की जानकारी डिटेल में मिलती है गाइज, जो कि आपकी डेली कन्वर्सेशन में बहुत काम आने वाली है। आइए वाक्य समझते हैं। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई, है ना, कुछ इस तरीके की घटना घटी कि मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। तो माई आईज, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बताया था। फिर फिल्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, तो माई आईज फिल्ड विद टीयर्स। ठीक है, माई आईज फिल्ड विद टीयर्स। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस गाइज, कहानी सुनकर बच्चों की आंखें आंसुओं से भर गईं। भाई इतनी दर्दनाक कहानी थी, बच्चों की बेचारों की आंखें जो आंसुओं से भर गईं। तो हेयरिंग द स्टोरी द आईज ऑफ द चिल्ड्रन फिल्ड विद टीयर्स, या द आईज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन फिल्ड विद टीयर्स हेयरिंग द स्टोरी। ठीक है गाइज, आगे पीछे दोनों तरफ लगा सकते हो। वाक्य अगला, उसके बारे में सोचकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। भाई है ना, वो इतना अच्छा आदमी था, उसके बारे में सोचकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। तो कैसे बोलेंगे, थिंकिंग अबाउट हर माई आईज फिल्ड विद टीयर्स, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप, माई आईज फिल्ड विद टीयर्स थिंकिंग अबाउट हर। ठीक है, तो टीयर्स। अगला वाक्य देखते हैं गाइज, तेरी आंखों में आंसू क्यों भर गए। भाई ऐसा क्या होगा, इस तरीके से क्या बात आ गई तेरे दिल में, जो आंखों में आंसू भर गए एकदम। तो why did your eyes fill with tears, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव ऐसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन करिए हमने, WH फैमिली वर्ड देन डिड फिर सब्जेक्ट। तो why did your eyes fill with tears, ठीक है गाइस, why did your eyes fill with tears। आइए एक और वाक्य देखेंगे, क्योंकि आप जितने वाक्य देखोगे कंसेप्ट उतना क्लियर होगा गाइस। ठीक है, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। भाई है ना, दर्दनाक बात सुन के, लोगों की हालत देख के उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। तो देयर आईज फिल्ड विद टीयर्स, ठीक है, वंस आई बताया था मैंने, तो देयर आईज फिल्ड विद टीयर्स। तो गाइज होपली आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये वाक्य आपके लिए, इसकी अंग्रेजी में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, है ना, बात सुन के हमारी उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। तो गाइज बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोग फायदा उठा सके इस बेहतरीन वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।